हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। विंटेज गोल्ड म्यूजिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहले आपसे एक बात शेयर करना चाहता था मैं। जो दो नंबर मेरा यूट्यूब पे दिया हुआ है दोस्तों, वो स्पेशल सिर्फ इसी के लिए है, यूट्यूब के लिए है दोस्तों। उस नंबर को मैं फ़ोन को अपने साथ में नहीं रखता, वो फ़ोन मेरा घर पर ही होता है। तो मैं क्या करता हूँ, जो फ़ोन मेरे को आए होते हैं मैं उनको बाद में एक साथ रिप्लाई करता हूँ, और इसमें कई फ़ोन दोस्तों छूट भी जाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सॉरी, प्लीज़ आप नाराज़ मत हों। हाँ, अगर आप व्हाट्सएप पे मेरे को कोई मैसेज करेंगे उसका 100% रिप्लाई मैं आपको दूंगा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज जो वीडियो बना रहा था मैं, आपने देखा भी होगा, एक बार पहले वीडियो बनाई थी इस वाले डेक की हमने दोस्तों। ये कार कैसेट प्लेयर है, इसमें यहाँ पे कैसे डलती है, ठीक है। और इसको हमने पावर दी थी कार की बैटरी से, लेकिन उस टाइम ये पावर तो मिल गई थी, इसको ऑन भी हो गया था, लेकिन कैसेट प्ले नहीं हुई थी इसके अंदर। और मैं आपको दिखाना चाहता था कि कार कैसेट प्लेयर कैसे वर्क करता है। तो ठीक है दोस्तों, आज एक और कैसेट प्लेयर लेके आया हूँ मैं कार वाला, जिसमें इन चीज़ों का झंझट नहीं है। उसको पावर देके सीधा ही घर पे यूज़ करने के लिए बॉक्स लगा के, ट्रांसफार्मर लगा के उसमें पावर दी गई है। तो अब उसको आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये वाला कार कैसेट प्लेयर है, ये है तो दोस्तों कार में लगाने के लिए, लेकिन इसको घर पे यूज़ करने के लिए ये कैबिनेट में फिट किया गया है। और इसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और आपको कोई बैटरी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चलते 12 वोल्ट पे चलते हैं दोस्तों, और कार में 12 वोल्ट की पावर मिल जाती है, लेकिन घर पे चलाने के लिए इसको डायरेक्ट नहीं चला सकते। इसके लिए आपको ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, जैसे इसमें लगा हुआ है ये ट्रांसफार्मर, इसी तरह का हमने इसके बॉक्स के अंदर लगाया हुआ है, और उससे पावर मिलती है दोस्तों इसको, ठीक है। और इसमें एक फंक्शन ऐसे है दोस्तों, पहले वाली जो कार वगैरह होती थी उनके लॉक इतने स्ट्रांग नहीं होते थे, और ना ही सेंटर लॉकिंग होती थी, वो आसानी से खुल जाते थे, दूसरी चाबी से भी खुल जाते थे। तो उसमें क्या होता था ना, कार कैसेट प्लेयर चोरी होने का डर रहता था, काफ़ी चोरी हो जाते थे। तो तब क्या किया, कुछ कंपनियों ने अपने अलग अलग सिस्टम लगा के बनाए, और जैसे इसमें देख लीजिए आप, आपने कैसेट घर पे गाड़ी खड़ी की, और इसके ये हैंडल लगा हुआ है दोस्तों, इसको हैंडल को पकड़ेंगे सारा डेक बाहर आ जाएगा, ये पूरा डेक ही बाहर आ जाएगा। आप इसको निकाल के घर पे रख लो, दोबारा गाड़ी पे आपने बाहर कहीं जाना है, इसको उठाओ आप, इसको दोबारा बॉक्स में डालोगे फिर ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो एक फंक्शन अब ऐसे ये वाला है, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें ये पूरा ये बाहर निकल जाता है, इसका पूरा माउथ बाहर निकल जाता है, ठीक है। और ये वाला हुआ, इसमें क्या है, इसका ये वाला सॉकेट बाहर आ गया सारे फंक्शन का। तो ऐसे कंपनियां अलग अलग कोई अपने हिसाब से दिमाग लगा के इंजीनियरिंग के चीज़ें बनाते थे कि सिस्टम चोरी होने से बच सकें। से आजकल तो पूरा माउथ ही बाहर आ जाता है उसका, ये सिस्टम छोटे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो आइए देखिए दोस्तों, अब आपको मैं गाने सुनाऊँगा कार वाले कैसेट प्लेयर पर, जो बॉक्स में फिट कर पे घर पर यूज़ करने के लिए बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। अब ये कैसेट डाली हमने, कैसेट का डिफरेंस भी देख लीजिए आप, जैसे ये वाला है ये FLD है, इसमें कैसे ऐसे डलेगी, ठीक है। लेकिन कार वाले में दोस्तों कैसेट ऐसे डलते थे, जो इससे पहले था उसमें ऐसे डलते थे, ठीक है। तो अब ये देखिए, चलो ठीक है, ये दोस्तों आगे इसके इक्वलाइजर्स, ये एग्जैक्ट कैसेट बाहर निकालने के लिए, कैसेट बाहर आ गई, ठीक है, कैसेट फिर अंदर। ये दोस्तों हो गया इसका रिवर्स करने का स्विच, रिवर्स हो रही है कैसेट, अब देखिए आप, ठीक है। और ये हो गया फॉरवर्ड, फॉरवर्ड हो रही है कैसेट, और ये ऑटो रिवर्स है दोस्तों। इसको कैसेट को बाहर नहीं निकालना पड़ता था साइड चेंज करने के लिए, आप दोनों बटनों एक साथ दबाओ इसकी बी साइड चलने लग जाएगी अपने आप, ठीक है। दोबारा से ये डायरेक्शन दे रखी है किस साइड चलेगी, ये किससे पता चलता था कौन सी साइड पे चल रही है कैसेट। ये इसके बाकी फंक्शन आ गए दोस्तों, जैसे मेटल APS, कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, इनको काफ़ी डाउन हो चुके हैं। जैसे ये यहाँ से पता चलेगा, ये सराउंड का फंक्शन है, इसमें लाउड का है, मेटल का है, APS है, और एक बढ़िया चीज़ इसमें ये इक्वलाइज़र है, अलग से नहीं लगाना पड़ता, इक्वलाइज़र साथ में ही है, देखिए पे पलकों पर दिल आने दे, दिल जाने दे, हम दोनों
200 इसका आ गया स्पीकर का बैलेंस, कौन सा स्पीकर चलना है, लेफ्ट का चलेगा या राइट का चलेगा, ये वाला है जो बहुत छोटा सा बटन है इसका, ये आ गया दोस्तों इसका, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, ठीक है। ये वाली वीडियो भी आपको जल्दी से देखने को नहीं मिलेगी, और दोस्तों इन चीज़ों में टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है, सेटअप करना पड़ता है, इसलिए कभी कभार वीडियो बनाने में टाइम भी लग जाता है, कुछ दिन निकल जाते हैं बिना वीडियो के, तो आप प्लीज़ समझा करें इस बात को, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।